क्या आपको पता है चार्जर के केबल का साइज आए दिन कंपनियां छोटा क्यों करता जा रही हैं? और क्या आपको पता है भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले मतदान करने वाले व्यक्ति कौन हैं और वे कहां रहते हैं? और क्या आपको पता है कि सफ़ेद सोना प्राचीन काल में किसे कहते थे? क्या आपको पता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का रंग क्यों बदल रहा है और इसका रियल रंग क्या है? अगर नहीं पता आपको इन सब के आंसर, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो खास आपके लिए बना है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है गंगा नदी में एक ऐसी सारगबी पाई जाती है जो पूरी दुनिया में और कहीं भी पाई नहीं जाती है। क्या आपको पता है साइकोलॉजी के अनुसार रात को सोने से पहले जो आखिरी इंसान हमारे दिमाग में रहता है वह या तो हमारी खुशी का कारण होता है या तो हमारी दुख का। क्या आपको पता है टारंटुला नाम की मकड़ी बिना खाने के 2 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकती है। क्या आपको पता है 1 नवंबर 2022 को स्पेसएक्स ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को लॉन्च किया है। फाल्कन हेवी जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सक्रिय रॉकेट है, के केप किरनावेरल से लगभग 3 साल बाद पहली बार लॉन्च किया गया है। क्या आपको पता है स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण सिंह नेगी ने हिमाचल प्रदेश के कल्पा में अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया है। वोट डालने के बाद श्याम शरण ने कहा है कि मतदान लोकतंत्र का महापर्व होता है। क्या आपको पता है हवाई जहाज में इमरजेंसी के समय जो ऑक्सीजन मास्क आपको दिए जाते हैं उनको सहारे आप सिर्फ 15 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। प्राचीन काल में एक समय ऐसा भी था जब नमक इतना महंगा था कि इसे सफेद सोना भी कहा जाता था। क्या आपको पता है चार्ज होते हुए मोबाइल को इस्तेमाल करने से मोबाइल की बैटरी जल्दी खराब हो जाती है? यही कारण है कि मोबाइल कंपनियां चार्जिंग केबल का साइज छोटा रखती हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का रंग हरा होने की वजह मौसम, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बाहरी परत शुद्ध तांबे से बनी है, इसीलिए स्मारक का मूल रंग तांबे के भूरे रंग का था। क्या आपको पता है साइकोलॉजी के अनुसार जब लोग देखते हैं कि आप उनके बिना भी बेहतर कर रहे हैं तो लोग आपको हर हाल में वापस पाना चाहते हैं।